नीतीश कुमार की ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार में रहना है, 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है और नीतीश कुमार के साथ रह के करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। 12 सीटें वो जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के बराबर, जबकि एक कम सीट पर वो चुनाव लड़े थे। इसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने समझौता भी कर लिया, जिनको जिनको जहाँ से सीट इधर से उधर करना चाहते थे वो भी उनको मिल गया। सम्राट चौधरी के साथ और विजय कुमार सिन्हा के साथ वो सरकार का हिस्सा तो थे, हिस्सा तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी थे। हाँ। तेजस्वी यादव के साथ थे तो उन्होंने कई बार ये बात कही कि अब तो इन्हीं लोगों को चलाना है। हाँ। लेकिन क्या उस तेजस्वी यादव के साथ वो टिक पाए? नहीं टिक पाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दा गरम है। लोकसभा चुनाव का परिणाम तो आ गया, परिणाम आने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ले ली, लेकिन भाजपा के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये सामने तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर जो शीत युद्ध है वो ऐसी बातें सामने आ रही है कि अंदर कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि कल ही हमारे संपादक सर नमन मिश्रा सर ने इस बारे में बात की और एक ऐसा विषय वो निकाल कर सामने लाए हैं जो अब सियासी गलियारों में भूचाल लाता दिख रहा है, जिसकी चर्चा हमने भारत लाइव पे कल ही कर दी है। और आज इसी मुद्दे पर बाबा से हम बातचीत करने पहुंचे हैं। बाबा से बातचीत करने आए हैं कि क्या चल रहा है आखिर भाजपा में, शीत युद्ध चल रहा है और ये शीत युद्ध कहां लेके जाएगा? देखिए खुशी, कल नमन जी ने जो खबर रात में की, उस खबर की एक इनसाइड स्टोरी बहुत तेजी से चलने लगी है। हर किसी के दिमाग में ये बात आ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है बिहार की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में। क्या बिहार की सरकार का स्वरूप बदलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले समय के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी अलग एरा में लेकर के जाएगा? ये चर्चाएं कोई नई नहीं है, लेकिन इस बार जो चर्चा नई हो रही है उसके पीछे का कारण कुछ और है। कारण ये है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आपके सामने है, 13-14 महीने बाद वो चुनाव होने हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भाजपा में जो कुछ भी चल रहा है खुशी, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक तरफ भाजपा ने नीतीश कुमार के सामने सरेंडर कर दिया है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। नीतीश कुमार के सामने जो भी उनके साथ रहता है वो सरेंडर ही करके रहता है। कोई भी अगर टाइट होता है, आपने देखा होगा कि बीच में 2020 के चुनाव के बाद जो परिस्थितियाँ सामने आई थी, उस परिस्थिति में आपने देखा कि किस तरह से एक सरकार बनी थी। उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने एक परिवर्तन की कोशिश की थी, उसने कई नए चेहरे को सामने रखा था, एकदम बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ जिन लोगों का रिश्ता था उन सारे लोगों को किनारे करते हुए एक अलग तरह का संगठन बनाया था जिस नीतीश कुमार के सामने, और उसका असर भी देखने को मिला था कि नीतीश कुमार को 2 साल के अंदर ही लगने लगा था कि ये जो टीम है वो उन पर प्रेशर बना रही है, दबाव बना रही है। विजय कुमार सिन्हा के साथ जो उनकी तलखी आपने देखी, वो तलखी नजर आई। सम्राट चौधरी के साथ लगातार उनका टकराव होता रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी कई बातों को लेकर के टकराव हो रहा था, और ये इसका सबका कारण था कि अगर आप दोनों चीज़ों को कंबाइंड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हौचपच हो जाता है। सरकार और संगठन दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों में इन्फ्लुएंस नजर आ रहा था। इसके बाद नीतीश कुमार ने पाला बदला, और फिर जब दोबारा आए तो कोई नहीं ये समझ पा रहा था, किसी को पच नहीं रहा था कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये दो ऐसे शख्स जो हमेशा नीतीश कुमार के नाक का बाल बने रहे हैं, उनको दाएं और बाएं बैठा दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, और भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी को नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे थे। लेकिन परिस्थितियां उस समय नीतीश कुमार को ये मजबूर कर रही थी कि वो इस पर ज्यादा हस्तक्षेप न करें, बात मानने पे, क्योंकि नीतीश कुमार ने पाला तो बदल लिया था। उनको पता था कि 2024 के चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी से अलग रहेंगे तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, और जो उनके ऊपर गुस्से का जो इजहार लोग कर देंगे तो उनकी सीटें बहुत कम हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि वो एक बार फिर से मैत्री की तरफ बढ़े। जो नमन जी लगातार कहते हैं कि मैत्री सबसे बढ़िया फॉर्मेशन है जो आपके सारे चीज़ों को डायल्यूट कर देता है, तो मैत्री उन्होंने कर ली, और मैत्री करने का फायदा भी उनको मिल गया। 12 सीटें वो जीत करके आए भारतीय जनता पार्टी के बराबर, जबकि एक कम सीट पर वो चुनाव लड़े थे। इसके बाद अपने हिसाब से उन्होंने समझौता भी कर लिया, जिनको जिनको जहाँ से सीट इधर से उधर करना चाहते थे वो भी उनको मिल गया। देवेश चंद ठाकुर को सीतामढ़ी से लड़ा दिया उन्होंने, उसके बाद आपने शिवहर में देखा कि सीट चेंज किए। ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे शख्स हैं जो भूलते नहीं हैं चीज़ों को।
सम्राट चौधरी के साथ और विजय कुमार सिन्हा के साथ वो सरकार का हिस्सा तो थे, हिस्सा तो वो तेजस्वी यादव के साथ भी थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, तो उन्होंने कई बार ये बात कही कि अब तो इन्हीं लोगों को चलाना है। लेकिन क्या उस तेजस्वी यादव के साथ वो टिक पाए? नहीं टिक पाए। नीतीश कुमार की ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सरकार में रहना है, 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है और नीतीश कुमार के साथ रह के करना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है, ये एक एंगल है जो भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है वो सोच रहा है कि नीतीश कुमार किससे खुश रहेंगे और किससे नाराज रहेंगे। लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे ही परिणाम आया उसका चर्चा शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी का क्या होगा, विजय कुमार सिन्हा का क्या होगा। जो परिणाम आए हैं उसका आकलन करने के बाद सम्राट चौधरी पर कई आरोप लगने लगे थे कि वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरह का परिवेश बना था, जिस तरह का माहौल बना था, उस माहौल में सम्राट चौधरी जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, जितना उनको अधिकार मिला था उस अधिकार के हिसाब से उन्होंने किया, विजय सिन्हा को जितना मिला था उतना उन्होंने ही किया। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और कल जो नमन जी ने खड़ा किया है मामला, उस मामले में सबसे ज्यादा दुखद स्थिति यह है कि एक तो उप मुख्यमंत्री, जो सीनियर उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका नाम नहीं होना। चलिए वो हो सकता है कि विभाग है विजय सिन्हा के पास तो विजय सिन्हा का नाम आया, लेकिन सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं और सीनियर उप मुख्यमंत्री हैं तो उनके नाम का होना जरूरी था। लेकिन हो सकता है कि किसी तरह का कोई स्ट्रेटजी भी हो इसमें। उसके बाद सम्राट चौधरी जब उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं तो आनन फानन में जो पोस्टर है उस पोस्टर में उनका चिपकाया जाना कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा करता है कि वो चिपकाने से किसी तरह से उसको कहा जा रहा है कि मामला को बिगड़ने से बचाने का एक प्रयास था। लेकिन इसने कई संदेश छोड़ दिए जो भारत लाइव ने पकड़ा और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने पकड़ करके उसको फ्लोर पे लाया। अब इसमें एक बात बहुत गंभीरता से हम कह सकते हैं कि लालू प्रसाद इसमें सफल नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद ने अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति जो शुरू की थी 2024 में ये देखने को मिला था। उन्होंने कई सीटों पे अगड़ा पिछड़ा करने का प्रयास किया और वो अगड़ा पिछड़ा होता हुआ दिखाई देने लगा था लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। अब जबकि आप सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को सामने खड़ा करते हैं और विजय कुमार सिन्हा का फ्रेम में नजर आता हो और सम्राट चौधरी फ्रेम से बाहर नजर आते हो, कल नमन जी ने कहा भी कि सम्राट चौधरी इतने इस तरह के कदकाठी के नहीं हैं कि वो भीड़ में छुप जाएंगे, वो भीड़ में अलग नजर आते हैं और वो कल भी छुपाने के बावजूद भी नजर आ गए। तो ये उनकी एक अलग तरह की आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी में अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार, बहुत सारी बातों को लेकर के ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लौकुश समीकरण पर सम्राट चौधरी का कद भारी पड़ता नजर आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लौकुश समीकरण के नेता के रूप में सम्राट चौधरी अपनी आइडेंटिटी बना ले, जो कि धीरे धीरे बन रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से चिंता का कारण वो हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का मेन वोट बैंक जो है वो लौकुश है और इसको साधने के लिए नीतीश कुमार ने अभी अभी आपने देखा कि श्री भगवान कुशवाहा को उन्होंने विधान परिषद भेजा, एक सबसे बड़ी बात हुई। अब ये लौकुश समीकरण को साधने के लिए और जो शाहबाद क्षेत्र में हुआ है उसमें दो धाराएं चली हैं, एक सवर्णों ने साथ नहीं दिया बीजेपी का, तो सवर्णों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई रास्ता अपना सकती है, तो वहीं नीतीश कुमार के लिए ये बेहतर अवसर होगा कि सम्राट चौधरी को साइड किया जाए। तो सम्राट चौधरी को कहाँ से साइड किया जाए, सरकार से साइड किया जाए या संगठन से साइड किया जाए, ये बड़ा सवाल है। अगर सम्राट चौधरी को आप संगठन से साइड करते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं तो सम्राट चौधरी के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, अपने हिसाब से वो काम करते हैं, वो सम्राट चौधरी को रास नहीं आएगा। दूसरी तरफ अगर संगठन उनके हवाले करते हैं, सरकार से अलग करते हैं, तो ये भी सम्राट चौधरी के लिए डिमोशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा, नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में विजय कुमार सिन्हा बनाम जो सम्राट चौधरी चल रहा है, इसको लेकर के कल नमन जी ने बहुत विस्तृत जानकारी दी है। आप चले जाइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तो आपको सम्राट चौधरी हर किसी के जुबान पर नजर आएंगे। विजय कुमार सिन्हा की बात करें तो ये कमजोर नहीं है, इनकी लॉबी तो दिल्ली तक है
और इनकी बातें अगर ये उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं तो इसका मतलब है कि इनका भी माहौल जो है वो बहुत टाइट है। तो ऐसी स्थिति में, बदली हुई परिस्थिति में, एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि जो अपना वोट बैंक है उसे साधने के लिए नीतीश कुमार जिस तरह का प्रयास करेंगे वो प्रयास, और भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है वो प्रयास, दोनों प्रयास मिलकर के कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर में चल रहा है सब कुछ आपने देखा होगा कि कई नाम सामने आ रहे हैं कि ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, ये प्रदेश, कई लोगों से इनमें हमारी बातचीत भी हुई है, जैसे एक नाम आ रहा था जनक राम का कि उन्हें बनाया जा सकता है, दलित समाज से आते हैं, तो उन्होंने लगभग इनकार कर दिया है। इससे पहले भी जब सम्राट चौधरी का बने थे सरकार में उप मुख्यमंत्री तो उस समय भी उनका नाम चल रहा था। इसके अलावा भी और कई नाम हैं जिन लोगों का, राजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है, बहुत लोगों का नाम चल रहा है, तो इन नामों में से शॉर्टलिस्ट किसे किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद ने अगड़ा पिछड़ा कराने की तैयारी की, और दो दिन पहले ही आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर को फ्रेम में ला करके लालू प्रसाद ने एक बड़ा गेम प्लान रचा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर सम्राट चौधरी के साथ, जो कि कल नजर आया, और कहीं ना कहीं ये बात इसलिए भी नजर आया, कल नमन जी ने सबके पोस्ट भी पढ़ के सुनाए हैं जिसमें उन्होंने साफ बताया भी कि किसने क्या पोस्ट किया और किसके पोस्ट में क्या नाम है, लिखा हुआ। हर तरफ से नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार को फ्रेम में रख करके सम्राट चौधरी चल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने हाल फिलहाल में बिना नीतीश कुमार के कहे, क्या नीतीश कुमार ने उनसे डिमांड थोड़े किया था कि आप पगड़ी उतार दीजिए, उन्होंने स्वतः पगड़ी उतारी और एक संदेश देने का कोशिश किया कि वो चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी सरकार हो, नीतीश कुमार के साथ वो सामंजस्य बिठा के चलें। कई ऐसे मौके आए जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कुछ ऐसे शब्द बोले या इस तरह का बयान दिया जिसको जा करके नीतीश कुमार के सामने उन्होंने कन्फेस भी किया कि ये उनके निजी बयानों को भी बदलवाया। तो ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं एक लीडर की तो नज़र आ रही है, लेकिन इस लीडर को पीछे छुपाने की कोशिश भी जारी है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर में ये शीतयुद्ध चल रहा है, ये शीतयुद्ध किस दिशा में जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरा का पूरा खेल 2025 में बिगाड़ दे और स्टेक पर सम्राट चौधरी हैं कि विजय सिन्हा हैं। हम चाहेंगे कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि इससे क्या समझते हैं, और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच में जो शीतयुद्ध चल रहा है, हालांकि अघोषित शीतयुद्ध है, इसको इसका कोई कहेगा नहीं, लेकिन कल के जो कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम से ही नहीं, ये बताने का कोशिश जरूर किया है, एक संदेश दिया है कि सम्राट चौधरी पर कई लोगों की नज़र है और सम्राट चौधरी को फ्रेम से अलग करने की कोशिश की जा रही है। तो बाबा से खुद सुना आपने कि भाजपा के अंदर क्या कुछ चल रहा है और ये शीत युद्ध कब तक जारी रहेगा और इससे क्या कुछ बदलाव बिहार की राजनीति में आ सकता है। अब इससे तमाम खबरें जो भी है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।